नमस्कार दोस्तों, मैं शांति भूषण चौहान यूट्यूब गाजीपुर लहुरी काशी चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, हर रोज़ की तरह मैं आज आपको एक नया वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट ऑनलाइन फॉर्म 2019। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट ऑनलाइन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये वही वैकेंसी है जो इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन के नाम से जानी जाती है। तो ये 27 फरवरी 2019 को 5 बजे दोस्तों ये प्रकाशित हुआ है, और यहाँ पे नीचे लिखा गया दोस्तों, ज्वाइन इंडियन नेवी नौसेना भर्ती हैज़ रिसेंटली इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट रिक्रूटमेंट 2019। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मांगा है ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी, ट्रेड्समैन के लिए दोस्तों आवेदन मांगा है। तो इसके लिए दोस्तों दूज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड, मतलब जो भी कैंडिडेट इसके लिए मतलब इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं दोस्तों, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सारी एलिबिलिटी और क्राइटेरिया यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन के साथ दिया गया है, तो मैं सारा चीज़ आपको बताऊँगा सीरियल वाइज दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया दोस्तों INCETTATEEM 01-2019। दोस्तों इसका एप्लीकेशन नंबर है जो एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और यहाँ पे लिखा गया ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2019। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फीस के लिए। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 225 रुपये, यानी कि जो सामान्य में दो अन्य पिछड़ा वर्ग में उन लोग के लिए 225 रुपये दोस्तों। SC ST के लिए दोस्तों 0 फीस है, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, जो सभी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए भी 0 फीस है दोस्तों। पेमेंट मोड कैसे करना है, आपको फीस कैसे पेमेंट करना है, जो एग्जामिनेशन फीस होता है दोस्तों, पे एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फीस मोड ऑनली। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो दोस्तों आप अपना पेमेंट एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑनलाइन डेट का, इंपॉर्टेंट डेट जिसको बोलते हैं दोस्तों, जो मुख्य तिथि है दोस्तों, किस दिन से आवेदन होगा, तो आप लोग के सामने इंपॉर्टेंट डेट ऑनलाइन स्टार्ट दोस्तों 2 मार्च 2019, यानी कि 2 मार्च 2019 को दोस्तों ये ऑनलाइन फॉर्म जो है चालू हो जाएगा। 2 मार्च को आपको आवेदन करना है, और दोस्तों रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 15 मार्च, यानी कि बहुत ही कम समय दोस्तों। आप 2 मार्च से चालू हो रहा है और 15 मार्च को ख़त्म हो जा रहा है दोस्तों, बहुत ही कम समय है, इसलिए आपको ये आवेदन जल्दी करना होगा। और फीस पेमेंट का लास्ट डेट भी दोस्तों अंतिम तिथि यानी कि 15 मार्च 2019 ही है। एग्जामिनेशन के बारे में दोस्तों आपको जल्दी सूचित कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड दोस्तों भी आपको जल्दी बता दिया जाएगा कब इसका एडमिट कार्ड आएगा सरकारी रिजल्ट के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए या एज लिमिट होना चाहिए दोस्तों। मिनिमम एज दोस्तों 18 दिया गया है, और मैक्सिमम 25 वर्ष दिया गया है दोस्तों। तो मिनिमम और मैक्सिमम एज कैसे काउंट करेंगे दोस्तों, तो मैं उसको बता दूं, आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा 15-3-2019 से, यानी कि 15-3-2019 से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। 15-3-2019 को आपका उम्र या तो 18 वर्ष हो या तो 25 वर्ष हो या उसके बीच में हो दोस्तों, आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर लें दोस्तों एलिबिलिटी की, क्या योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को डालने के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, कैंडिडेट पास्ट क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि दोस्तों अब आपका अच्छा 10वीं पास हो, भारत के किसी भी बोर्ड से आप पास हो दोस्तों, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों ITI सर्टिफिकेट इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास RTI सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होता है उसके थ्रू। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में दोस्तों। वैकेंसी डिटेल्स, टोटल पोस्ट 2644 पोस्ट दिया गया है, जिसमें HQENC विशाखापट्टनम के लिए दोस्तों जनरल के लिए 20 है, और दोस्तों EWS के लिए 4, OBC के लिए 12, SC के लिए 7, टोटल मिला के हो गया दोस्तों, ST के लिए 2-3 हो गया, टोटल मिला के दोस्तों 46 पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा भारी पोस्ट है दोस्तों HQWNC मुंबई के लिए, जिसमें जनरल के लिए 227 पोस्ट है, EWS के लिए 50 है, OBC के लिए दोस्तों 143 है, ST के लिए 58 है, टोटल मिला के दोस्तों ST के लिए 24, टोटल कंक्लूड टोटल दोस्तों अगर हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 502 सीटें हो रही है, जो कि बहुत ही लार्ज सीटें हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं HQENC कोची के लिए, जिसमें जनरल के लिए 2 सीटें हैं, EWS के लिए 1 सीटें हैं, OBC के लिए 1 है दोस्तों, SC के लिए 1 है, और ये ST के लिए भी 1 है दोस्तों, और टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पे 6 सीटें हैं, जो कि बहुत ही कम सीटें हैं। तो आपको आवेदन जहाँ भी आप करना चाहते हैं दोस्तों, जिस भी स्टेट के हो कहीं भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुंबई में ज़्यादा ज़्यादा सीटें हैं दोस्तों, तो आप जो भर सक कोशिश करिएगा दोस्तों, जहाँ ज़्यादा सीटें हो वहाँ फाइट भी होता है दोस्तों, वहाँ पर आप ज़्यादा सीटें करिए डालिएगा। तो अब मैं आपको बताया दोस्तों इसका डेट कब कब है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक दिया गया है, जिस लिंक को आप दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऑनलाइन लिंक दिया गया है, तो ये दोस्तों ये लिंक आपको एक्टिवेट होगा 2-3-2019 को, यानी कि जिस दिन फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, यानी 2-3-2019 को दोस्तों ये ऑनलाइन लिंक
चालू होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन का, डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक हेयर करके दोस्तों अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए दोस्तों यहाँ से क्लिक करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे दोस्तों। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया दोस्तों ज्वाइन इंडियन आर्मी का, दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और जाके देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए खुल जाएगा पोर्टल। तो खुलेगा पोर्टल दोस्तों जिस दिन मैंने आपको बताया उसी दिन ये खुलेगा। तो अभी ये अकाउंट लिख रहा है बनाने के लिए पासवर्ड, तो ये सब छोड़िए, जिस दिन ऑनलाइन होगा मैंने आपको बताया उसी दिन ये खुलेगा, उसी दिन आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिंक एक्टिवेट लिख रहा है, आप लोग को डायरेक्टली वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये सरकारी रिजल्ट के माध्यम से आप जो है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइट खुल जाएगी ऑटोमेटिक। अब आपको जो है कि अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना होगा और फुल फॉर्म भर के जो सबमिट कर देना होगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों नौसेना भर्ती 2019 स्टेट्समैन के लिए। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो नए यूजर मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देंगे दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।